अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ा है। लोकसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस की नई प्रयोगशाला का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2 अहम प्रयोग किए हैं। एक तरफ अंगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ों का दलित कार्ड खेला, तो वहीं चुनाव का शंखनाद होने से ठीक पहले कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसके जरिए पूरे देश में दलितों को जोड़ने का संदेश दिया गया। मैनपुरी की सियासत में 4 जून का दिन अहम है, क्योंकि मैनपुरी सीट से ही मुलायम के गढ़ की नई सियासी पटकथा लिखी जाएगी। ये पटकथा ही तय करेगी कि अब मैनपुरी पर डिंपल यादव राज करेंगी या फिर दर्शकों से जीत का ख्वाब देख रही भाजपा इस बार सफाई के गढ़ को ध्वस्त कर भगवा फहराएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को धनीपुर मंडी में होने वाली मतगणना के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। एसपी यातायात मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि इस दौरान एटाचुंगी से धनीपुर मंडी और बोनेर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मुरादाबाद में आवास विकास परिषद की मल्टी स्टोरी आवासीय कॉलोनी बुद्धि विहार सेक्टर 9A की मुख्य सड़क पर कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। बड़ी बात तो ये है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान देने की बजाय टालम टोल कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर लोगों का कहना है कि गर्मी के चलते सड़क पर दरार आई है। मुरादाबाद में 4 जून को मंडी समिति में मतगणना होगी, जिसके लिए मंडी समिति की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए मंडी समिति की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर आज से ही पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं पूरे इलाके में रूट डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। मतदान के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में दिग्गजों की सीट पर ही कम मतदान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विपक्ष के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी की सीट पर 40% से ज्यादा मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्रियों की सीटों पर कम मतदान हुआ। आपको बता दें कि 5वें चरण में शामिल रही लखनऊ सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजनाथ सिंह को लखनऊ में औसतन मतदान 58.02% से भी कम वोट मिले। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बड़ा दावा कर कहा है कि भाजपा प्रदेश में 70 सीटें जीतेगी, क्योंकि लोगों ने मोदी और योगी के कार्यों के आधार पर वोट दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज बीजेपी राज में प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना है। बरेली में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को मद्देनजर रखते हुए आज सोमवार शाम से यातायात डायवर्जन को लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक शिवराज ने रूट डायवर्जन संबंधित निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये व्यवस्था मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेगी। गोरखपुर के हिंदी बाजार के अंबे गहना बाजार में DRI ने छापेमारी की है। इस फर्म पर बनारस में DRI ने कुछ दिन पहले ही अवैध सोने की खेप पकड़ी थी। वहीं जांच पड़ताल के बाद इस मामले में DRI ने एक कार्रवाई की थी, जिसमें फर्म से जुड़े सेंटर पर अवैध सोने की खेप पकड़े जाने की सूचना मिली।